बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, 4 साल पहले सीजन 3 में मैंने आपको अनु सिंह चौधरी की लिखी एक कहानी सुनाई थी। उसका नाम था कुछ यूं हुआ था प्यार। उसके बाद एक दिन नहीं गुजरा होगा जब किसी न किसी लिसनर ने ये न पूछा हो कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। हजारों लोग पिछले कुछ सालों में ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं और हाल में ये सवाल मैंने बदले में अनु से पूछा। तो जवाब में अनु ने लिख दिया है इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, कुछ यूं हुआ था प्यार पार्ट 2। चलिए शुरू करता हूं कहानी। अक्टूबर की अलसाई हुई मंडे की दोपहर थी वो, लेकिन रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थी। कहते हैं कि प्यार हो जाए तो किसी काम में मन नहीं लगता, उखड़ी उखड़ी सी नींदें होती हैं और उलझा उलझा सा दिमाग। लेकिन रिया के साथ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। बीती रात बड़े इत्मीनान से सोई थी वो कि जैसे दिल का कोई बोझ उतर गया हो। और सुबह सुबह उसने इतनी गर्मजोशी से वीकली मीटिंग में अपना क्लाइंट प्रेजेंटेशन दे डाला था कि उसके बॉस ने खुश होकर उसको पुराना किला में सूफी नाइट के 2 पास का तोहफा पेश कर दिया। उसके पास वक्त पर सारे काम निपटा लेने की एक बड़ी वजह थी, तरुण शाम को ऑफिस के बाद उसे लेने आने वाला था। अभी 2 दिन पहले ही तो मिले थे दोनों, पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए थे और इतना सारा ड्रामा हो गया था। पहली मुलाकात की खिटपिट, मम्मी पापा से बहस और फिर संडे की दोपहर रिया और तरुण की पहली लंच डेट। ये और बात थी कि लंच करते करते शाम की चाय का वक्त हो गया था और फिर दोनों ने साथ में डिनर भी कर लिया था। लेकिन दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा चला कि ऊन के गोले की तरह खुलता गया और एक नई दोस्ती की गर्माहट बढ़ता गया। प्यार ऐसे नहीं होता है तो फिर जाने कैसे होता है। रिया, डैड के गुजरने के बाद मेरे पास अपनी पढ़ाई, करियर और मॉम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि प्यार व्यार हो पाता। पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे तो पार्ट टाइम प्यार कैसे कर पाते। तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस हो तो बताओ, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प लेकर सिम्टम्स पहचानने की कोशिश करूंगा। दोनों ऑफिस के बाद मिले तो तरुण ने यह पहली बात कही। हाँ भाई, हमने तो जैसे इस सब्जेक्ट पे PhD कर रखी है। रिया हंसकर बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ लेंगे। मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्होंने आज तक तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा रोमांटिक कपल नहीं देखा। तरुण की मम्मी सच कहती हैं। मिसेस गायत्री सिंह और ब्रिगेडियर राकेश कुमार सिंह की जोड़ी के चर्चे हर उस आर्मी स्टेशन में मशहूर हुआ करते थे जहां उनकी पोस्टिंग होती थी। 9 साल की थी रिया और उसका भाई 11 का, जब पालमपुर में लैंडिंग के वक्त उनका चॉपर क्रैश हो गया था। जान तो बच गई थी लेकिन रीढ़ की हड्डियां कई जगहों से टूट गई थी। डॉक्टर को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रिया के पापा अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो पाएंगे। लेकिन रिया की मां ने 2.5 साल की दसियों मेडिकल, पैरामेडिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और धार्मिक कोशिशों के बाद नामुमकिन और मोहब्बत दोनों शब्दों की परिभाषा बदल दी। उस एक हादसे ने पति पत्नी को सही मायने में 2 जिस्म और 1 रूह बना दिया। हाँ तरुण, मम्मी पापा को देखकर बचपन से ये लगता रहा है कि प्यार तो दरअसल शादी के बाद ही होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते ही रिया के चेहरे पर चंपई रंग की हल्की सी मुस्कान खिलाई। रिया, किसी दिन मेरी मम्मी से मिलने चलोगी? तरुण ने रिया के लिए उसकी गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए पूछा। एक शर्त पर, तुम मेरे साथ फ्राइडे की रात सूफी नाइट के लिए चलोगे? तरुण ने उस शर्त के जवाब में हाँ या नहीं कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। और रिया ने तरुण की उस मुस्कान को उसकी हाँ समझ लिया। किस दिन चलना है आंटी से मिलने? एक दिन पहले बता देना, मैं जरा ढंग के कपड़े पहन के आऊंगी। इतना कहते हुए रिया ने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और उसके इस बात के जवाब में तरुण ने जरूर हाँ बता दूंगा कहकर जवाब दिया था। रिया की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हुई भी नहीं थी कि तरुण ने रिया के डैड को फोन लगा दिया। अंकल, आपने रिया को माँ के बारे में कुछ नहीं बताया?
ये सवाल इतना ज़रूरी था कि तरुण ने खामखा की नमस्ते या गुड इवनिंग करने में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं समझी। बेटा तुम दोनों मिलजुल लो, एक दूसरे को जान लो अच्छी तरह, फिर तुम ही बता देना, बल्कि तुम उसे खुद ही बताओ, यही सही रहेगा। नहीं अंकल, आपको हमारे मिलने से पहले ये बात उसको बता देनी चाहिए थी। कुछ तो था जो तरुण को बेहद आकुल कर रहा था। उसे लग रहा था कि सभी लोग जानबूझकर रिया से तरुण की माँ की बीमारी की बात छुपा रहे हैं। वो तो उसी दिन अपनी माँ तक से उलझा था जब उन्होंने रिया से रिश्ता चलाने की बात के पीछे अपने तर्क दिए थे। बेटा डिफेंस बैकग्राउंड की लड़की है, उसके पापा का जब क्रैश हुआ था तो इंक्वायरी के दौरान एक तेरे पापा ही थे जो उनकी बेगुनाही के लिए लड़ते रहे थे। तू तो हॉस्टल में था, तुझे याद नहीं होगा तरुण, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे मिसेस सिंह अपने पति की देखरेख के साथ बच्चे, घर, नाते, रिश्तेदार सब निभाती रहीं। रिया में अपनी माँ की दो चार खूबियाँ भी होंगी तो अम्मा प्लीज, और अगर वो अपनी माँ से एकदम अलग हुई तो फिर पापा जैसी होगी, तब भी चलेगा। ऐसा नहीं होता माँ, एक अजनबी इंसान को अपनी ही एक्सपेक्टेशंस में क्यों बांध रही हो। तरुण अपनी माँ से तो जरूर उलझ पड़ा था, लेकिन उसे भी मालूम था कि उसकी माँ की चिंता जायज है। आखिर वो कौन सी लड़की होगी जो शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी ऐसी सास की जिम्मेदारी संभालने को खुशी खुशी राजी हो, जो टेट्राप्लीजिया की वजह से पूरी तरह से व्हीलचेयर पर सिमट गई हो। इसलिए तरुण ने तय किया कि अब वो रिया से तभी मिलेगा जब उसे अपनी माँ से मिला सकेगा। मम्मा बताओ ना, पीच वाला पहनूं या लेमन येलो, रिया अपने कमरे से ही चिल्ला रही थी। उफ, इतने से एक डिसीजन के लिए तुमको पूरा घर सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। रिया की मम्मी उसके कमरे में नाश्ते की प्लेट लिए चली आई थी। सुबह में मीटिंग है, दोपहर को नए क्लाइंट के साथ लंच है, फिर शाम को तरुण की मॉम से मिलने जाना है और वहां से फिर सूफी नाइट। अब बताओ माँ, कौन सी ड्रेस ये चारों पर्पस को सूट करेगी। रिया ने अपने मुंह में सैंडविच का एक बड़ा सा गस्सा चाय की घूंट से गटकते हुए पूछा। बेटा कुछ फैसले तो अब तुम्हें खुद ही लेना सीखना होगा, मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ बस। इतना कहते हुए रिया की मम्मी ने उसी की अलमारी से नीले रंग की चंदेरी साड़ी निकालकर उसके बिस्तर पर रख दी। यू आर अ जीनियस मम्मा। आप एक महीने के लिए क्यों जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया? भाई को बोलो ना छुट्टी लेके आएगा, आपके बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा बताओ। और रिया बिना जवाब का इंतजार किए बाथरूम में जा घुसी थी। पता नहीं राकेश, मुझे डर भी लगता है, अपना कमरा तो संभलता नहीं, इससे ये लड़की तरुण के घर की सिचुएशन को कैसे संभालेगी। रिया की मम्मी ने अपने पति के सामने आशंका जाहिर की। अपनी बेटी पर नहीं तो अपनी परवरिश पे तो यकीन करो गायत्री, रिया के डैड ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया था। कहीं हम रिया के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे, और भी तो लड़के हैं, और फिर ऐसी भी जल्दी नहीं है कि। माँ के मन की आशंकाएं खिलौने की दुकान के बाहर खड़े जिद्दी बच्चों की तरह होती हैं। एक के हाथ में उसकी पसंद का खिलौना थमाओ नहीं कि दूसरा ठुनकने लगता है। और मिसेज मोहन का एक्सीडेंट दोनों की शादी के बाद हुआ होता तो क्या सिखाती अपनी बेटी को कि किस्मत ने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, तो चलो घर लौट आओ। रिया की माँ को मालूम था कि इनसे बहस करना बेकार है, जो तय कर लिया सो तय कर लिया, जैसी मनमौजी बेटी वैसे जिद्दी पापा। लेकिन यह भी सच है कि तरुण एक समझदार लड़का है और शादी जैसे नाजुक रिश्ते में समझदारियां ही काम आती हैं। प्यार वो इंद्रधनुष है जो जिंदगी के संघर्षों में मुसलसल बारिशों में भीगो तभी जाके दिखाई देता है। लेकिन रिया ने तो सिर्फ खिली धूप देखी थी, उसे क्या मालूम था कि एक तूफान उसका रास्ता देख रहा था। दिन भर के काम निपटाने के बाद रिया तरुण के भेजे हुए पते पर गुड़गांव पहुंच गई। रिया ने सोच रखा था कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो तरुण से कहेगी कि उसे घर तक छोड़ दे, फिर साथ में एक और घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमारा काम है प्लान करना और किस्मत का काम है उस पर पानी फेरना। अपार्टमेंट की घंटी बजाने से पहले रिया ने जल्दी से एक सेल्फी खींचकर यह भी चेक कर लिया कि वो ठीक तो लग रही है, साड़ी कायदे से बंधी तो हुई है, बाल बिखरे हुए तो नहीं लग रहे। वैसे तो सुबह से उसको तारीफों के अदृश्य गुलदस्ते ही मिले थे, लेकिन अगर अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ से मिलना हो तो कोई चांस नहीं लिया जा सकता। तरुण ने ही दरवाजा खोला था।
रिया की नीलमी साड़ी तरुण की आंखों के आईने में आसमान के रंग की तरह उतर गई थी। वो एक पल को दरवाजा थाम कर उसको एक टक देखता रहा। जैसे ही रिया को अपनी धड़कनों के तेज हो जाने का आभास हुआ, उसने झट से रजनीगंधा के फूल तरुण की ओर बढ़ा दिए। क्या पता तरुण की मॉम कैसी हो, उसको पसंद भी करेंगी या नहीं। लेकिन तरुण की नजरों में उसे तसल्ली मिली थी। उस मॉडर्न लेकिन कायदे से सजाए गए अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में रिया अभी बैठी भी नहीं थी कि तरुण अपनी माँ को उनकी व्हीलचेयर पर बिठाकर रिया के पास ले आया। रिया खड़ी हो गई, हैरान, घबराई हुई, उलझी हुई, परेशान। सच अ पिटी, मैं तो तुम्हें थाम कर तुम्हारा माथा भी नहीं चूम सकती रिया, तरुण की माँ मिसेस मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा था। उनका पूरा शरीर जरूर बेजान हो गया था, लेकिन आंखों और चेहरे में बहुत सारा लाइफ फोर्स था, बहुत एनर्जी थी। तरुण, रिया चाय पीती है ना, हम दोनों के लिए फीकी चाय, तुम्हें जो मर्जी हो पी लो। और हाँ, कुछ खाने के लिए भी भिजवा देना, ऑफिस से आइए, थकी हुई होगी। तरुण अपनी माँ के दिए हुए सारे निर्देश लेकर किचन की ओर बढ़ गया। तुम तो अपनी माँ से भी खूबसूरत हो रिया, तरुण की माँ का बोलना जारी था। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कई सालों से नहीं मिली, तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचपन में देखा है। तरुण के डैड की डेथ के बाद हम जयपुर सेटल हो गए थे, लेकिन मेडिकल नीड्स के लिए गुड़गांव मूव करना पड़ा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो बताया होगा ना, 3 साल हो गए, अब तो ये व्हीलचेयर ही मेरी दुनिया है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि तरुण ने भी नहीं। सब मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं शादी करते ही खुशी खुशी इस घर में नर्स का रोल स्वीकार कर लूंगी, रिया सोच रही थी। चाय भी आ गई थी और तरुण भी। रिया हाँ हूँ मैं जवाब देकर उखड़ी उखड़ी सी वहीं बैठी रही। उसे तो बस ये लग रहा था कि तरुण और उसके पेरेंट्स ने मिलकर उसके खिलाफ गैंग अप किया है। सब यही चाहते थे कि रिया को जब तरुण से प्यार हो जाए तब जाकर उसको इतनी बड़ी बात बताई जाए ताकि रिया ना कर ही ना सके। रिया, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। नहीं तरुण, तुम आंटी के पास रहो, मैं चली जाऊंगी। रिया चली गई थी। तरुण और मिसेस मोहन दोनों को समझ में आ गया था कि रिया इस रिश्ते को ठुकरा गई है। डैड, आपको क्या लगा कि मैं तरुण की मम्मी से मिलूंगी और उनके चरणों में गिर जाऊंगी? कि वाह, आपने क्या श्रवण कुमार बेटा पैदा किया है जो जी जान से ऐसी सेवा करता है, और फिर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस घर में उनकी सेवा करती रहूंगी। रिया, कैन यू इवन हियर योरसेल्फ? तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो बेटा, और ये क्या सोच है तुम्हारी? रिया की माँ की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए थे, उन्हें इसी बात का डर था। मैं सच बोल रही हूँ मम्मी, हनीमून तक तो जा नहीं पाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे बताओ उस हाल में उस लेडी को छोड़कर। कभी शाम को अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहूंगी तो ये गिल्ट रहेगा कि वो बेचारी व्हीलचेयर पे अकेली बैठी हैं। और बच्चा, ऐसे घर में बच्चा कहां से होगा मम्मी? या तो आप उनको देख सकते हो या अपनी लाइफ देख सकते हो। तरुण की मजबूरी है, मेरी नहीं है, और मुझसे इतना बड़ा बलिदान होगा भी नहीं, रिया ने कह दिया। और फिर किसी और के पास कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रहा। रिया के पेरेंट्स 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनके जाने से पहले के 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे थे। ब्रिगेडियर सिंह को इस बात की तकलीफ थी कि उनकी बेटी ने जिंदगी की जंग में उतरने से पहले ही मैदान छोड़ दिया था। मिसेस सिंह को इस बात का दुख था कि उनकी आशंका सच निकली थी। रिया को तकलीफ इस बात की थी कि तरुण तो पराया था, लेकिन उसके अपने पेरेंट्स ने उसे जानते समझते हुए भी उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और उसको तरुण के प्यार में पड़ने को मजबूर किया था। मिसेस मोहन को अपने बेटे तरुण का दिल टूटने का दुख था, और तरुण की तकलीफों का तो खैर कोई अंत ही नहीं था। एक ही बार अपनी माँ की जिद में आकर उसने अपनी जिंदगी का रुख बदलने की कोशिश की थी, और उसी एक बार उसे ऐसी ठोकर लगी थी। नहीं, रिया से उसे कोई मलाल नहीं था। रिया का इस रिश्ते के लिए मना करना समझ सकता था वो। तरुण को मलाल तो अपने दिल से था जो पहली ही नजर में अपना पूरा होश खोकर उस रास्ते चल पड़ा था जहां से रिया गुजरना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए तरुण ने तय कर लिया कि वो रिया से कभी बात नहीं करेगा और उसे और तकलीफ नहीं देगा। मम्मी पापा के बिना घर खाली था। दिवाली वाले लंबे वीकेंड पर दिल्ली में रुके रहने की न हिम्मत थी और न चाहत, इसलिए रिया ने एक ट्रैवल ग्रुप के साथ ट्रैकिंग के लिए रूपकुंड जाने का फैसला किया।
किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। तरुण और रिया अपने आप ही कट गए थे और मॉम डैड के अलग टाइम जोन के साथ वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई थी। दिल्ली से ऋषिकेश तक का सफर तो आराम से निकल गया था, लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के खतरनाक और पहाड़ी रास्तों पर सबकी सांसें जरा थम थम के चल रही थीं। ऊपर से घंटों गाड़ी में बैठे रहने की थकान थी सो अलग। रिया को हल्की सी नींद आ गई थी, इसलिए उसको ध्यान नहीं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसकी नींद एक तेज धमाके और फिर गाड़ी के संतुलन खो देने से खुली थी। अनायास निकली डरी हुई चीखें पूरी गाड़ी में फैल गई थीं। दो चार सेकंड में ही सबको लगा कि गाड़ी अब खाई में जाने ही वाली है, लेकिन ड्राइवर की समझदारी से एक बड़ा हादसा टाल दिया गया था। हुआ यूं कि पहाड़ से कटकर एक बड़ा सा पत्थर चलती हुई गाड़ी पर आ गिरा था। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन गाड़ी का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। अचानक आ गिरे उस पत्थर से घबरा कर अगर ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर जरा सा भी संतुलन खोया होता तो क्या होता? इस बात पर ट्रेकर्स के उस ग्रुप में तब तक चर्चा होती रही जब तक दूसरी गाड़ी नहीं बुलवाली गई थी। सबके पास अलग अलग किस्म के एक्सीडेंट्स के एक से एक किस्से थे, लेकिन रिया किसी से कुछ कहना कुछ सुनना नहीं चाहती थी। अगर इस हादसे में उसे कुछ हो जाता तो मरना तो आसान है, लेकिन ऐसे शरीर के साथ बची रह जाती जो अपने पैरों पर खड़े ही ना हो पाए तो किस गुमान में थी रिया? हम जिस परफेक्ट जिंदगी की बदगुमानी में जीते हैं ना, उसे बदलने में कायनात को एक पल भी नहीं लगता, और उसी क्षणभंगुर परफेक्ट जिंदगी पर इतना गुरूर कि हम किसी के लिए बदलेंगे नहीं, किसी का साथ नहीं देंगे, किसी को अपनाएंगे नहीं। रिया के मन की आंखें अचानक तरुण की माँ को उनके दुख और उनके हौसले दोनों के साथ देख पा रही थीं। रिया रूपकुंड तक नहीं गई, वहीं से दिल्ली लौट आई। बल्कि रिया दिल्ली भी नहीं गई, सीधे गुड़गांव पहुंच गई, तरुण के अपार्टमेंट के दरवाजे पर। छोटी दिवाली की रात थी और रोशनी की नन्ही लड़ियां तरुण के दरवाजे पर उम्मीदों की तरह बिखरी पड़ी थीं। रिया ने न आईना देखा, न सेल्फी लेकर ये देखने की कोशिश की कि वो कैसी लग रही है, और न ये सोचा कि तरुण की माँ उसके बारे में क्या सोचेंगी। बस घंटी बजा दी उसने। दरवाजा तरुण ने खोला था। रिया को देखकर उसकी आंखों में उस रोज भी आसमान की रंगत चमक उठी थी। शादी करोगे मुझसे? रिया की उमड़ती गिरती भावनाओं की लहर उसकी आवाज में आकर थम गई। तरुण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे को थामे हुए गीली आंखों से एक टक देखता रहा था रिया को। तो फिर प्यार ही कर लो, इतना कहकर रिया फूट फूट कर रो रही थी और अपने आंसू तरुण के पीछे अपनी व्हीलचेयर पर बैठी मिसेस मोहन पहुंच रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।